गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो? मयंक, मलिका, वरुण, ममता, मुस्कान, अरे मुस्कान, ऋतुजा, हाय ऋतुजा, सीए गाई बड़ा बिजी है, इधर यूट्यूब, वो यूट्यूब, हर सेक्शन में सीए गाई नजर आता है। भाई एक जगह रहो और दिमाग कहीं नहीं लगाते हैं, है ना। अब ये टाइम आ गया है नवंबर के एग्जाम के समय, केवल आपका कंसंट्रेशन एक जगह हो जाना चाहिए, बस ये है। तो ये 3 महीना उस रिचुअल्स को फॉलो करो, इधर उधर जंपिंग नहीं करते बंदरों की तरह। प्रिंस, नीतू, हिमांशु, अरे हिमांशु कैसे हो? जागृति, सहाना, लव यू लॉट, है लव यू, मुझसे ज्यादा तुम लोग को कोई प्यार नहीं करेगा, ये भी लिख के रखो। रिपो, तरुण, प्रीतम, अदनान पूछ रहा है सर सैटरडे की क्लास रिशेड्यूल क्यों गई? सैटरडे की क्लास रिशेड्यूल इसलिए हो गई। अरे विशाल आ गया, कैसे हो तुम? गांव में सब ठीक है? मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, मतलब आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट पर मैं अभी कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। मैं अभी ठीक हूँ। और अच्छा एक बात बताओ, मैं सैटरडे को आया, मंडे को आया नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को कोई फर्क पड़ता है क्या? है तुम लोगों को कोई फर्क पड़ता है? रिचुअली फॉलो करते हो? अब मैं भी बदमाशी करने वाला हूँ, अभी मैं भी डेली क्लास नहीं दूंगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने गंदगी मचाई है ना, अब मैं भी गंद मचाऊंगा, डेली क्लास नहीं दूंगा तुम लोगों को। रुक जाओ, तुम लोग को बहुत आराम हो गया था ना जीएसटी में, कि चलो जीएसटी कहानी। अरे ये कहानी है, इस कहानी को ध्यान से सुनो, इस कहानी को ध्यान से पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको। मैंने इतनी लेवल ऑफ नॉलेज मिल जाएगी, वो दूसरी से सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक बात पहले से सुन लो, एक मैं टेलीग्राम चैनल में एक बड़ी अजीब सी चीज देख रहा था। कुछ होते हैं, कुछ लोग बड़े ही ओवर एग्जीक्यूटेड चीजों को करते हैं अमेंडमेंट को लेके। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी से जान लो, आपको वॉल्यूम वन जो दिया गया है ना, वॉल्यूम वन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ध्यान रहेगा आपको। वॉल्यूम वन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ध्यान रहेगा बच्चा, नंबर वन ध्यान रहेगा। जितने अमेंडमेंट है वो सारे वॉल्यूम टू में, यानी कि आईटीसी में अमेंडमेंट है, रिटर्न में अमेंडमेंट है, पेमेंट में अमेंडमेंट है, मैंने वॉल्यूम टू में अमेंडमेंट है। तो अच्छी बात है ना, आप समझ में आया? अब समझ में आया, सेक्शन 15 तक कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब बात हुई सर वॉल्यूम 2 कब देंगे, आपको पता ही नहीं चला, वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा थोड़े दिन, इसी वीक में वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो वॉल्यूम 1 खत्म होने वाला है आपका। दूसरा, हाँ वॉल्यूम 2 में अमेंडेड आईटीसी। अच्छा दूसरी बात, एक बात मुझे खराब लगी, मैं एक बंदे को, बच्चा है, मैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या किया, वो जो लिखा हुआ तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने क्या कि इसको आप चार्ट बना लो। तो उस बच्चे ने मुझे लिखा कि फिर सर प्रिंटिंग का पैसा क्यों वेस्ट कराया? तो मैं कभी जनरली किसी को कुछ बोलता नहीं, मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो कोई भी हो वो मेरा छोटे भाई की तरह है। तो कभी कभी क्या होता है, बड़े भाई वाला एक फीलिंग लेके आना पड़ता है, बड़े भाई वाला, एक बड़ा भाई होता है ना, उसकी एक फीलिंग लानी पड़ती है। मैंने बोला हद है यार, तू कल से क्लास नहीं करेगा मेरी, अगर तेरे को ये लगता है कि मेरे कारण तेरे प्रिंटिंग का पैसा खराब हो गया, 6 रुपया 10 रुपया 20, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कल तू मेरे से क्लास करने तू मेरे यहाँ ज्वाइन नहीं करेगा।
वो आपने पेज जो पढ़े नहीं वो क्यों नहीं पढ़ा है आपने भाई साहब? या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या आप समझ नहीं रहे हो। तो आज से चार्ट बनाना बंद नहीं, कुछ चिरकुटों के लिए ऐसा काम थोड़ी करेंगे कि बाकी को परेशान करूंगा। चले हाँ बेटा चलो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया जाए। आज हमारा आरसीएम नंबर लेक्चर नंबर 2 है, लास्ट लेक्चर है। कल सेक्शन 10 कल या परसों जब भी होगा, क्योंकि मैं आपको पहले से बता देता हूँ, किसी तरीके के भ्रम में मत रहिएगा, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, भ्रम में रहना गलत हो जाएगा। अभी हो सकता है मैं डेली लेक्चर लूँ, हो सकता है मैं वीकली 4 लेक्चर लूँ, ठीक है, वीकली 4 लेक्चर लूँ, क्योंकि मेरे लिए कंटिन्यूसली 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाना भी संभव नहीं है। जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को मेरा बैच रहता है लंबा, माने फास्ट ट्रैक बैच रहता है प्लस में, 2 घंटा कंटिन्यूसली रहता है। तो हो सकता है तुरंत वो खत्म होकर मैं ना आ सकूँ, तो आप घबराना मत। जो टाइम जाएगा इधर आधे 1 घंटा करके, वो मैं 4 दिन जो क्लास होगी, संडे को अब लाइव क्लास लिया करूंगा, तो 4 दिन क्लास होगी उसको मैं मैनेज कर लूंगा, मतलब घंटे की जगह मैं 1.5 घंटे का सेशन ले लूंगा। तो आप ध्यान रखिएगा, हैं, संडे को मैं संडे से लूंगा, क्योंकि संडे को मेरा क्लास ही होता है। ठीक है, आरसीएम आज लास्ट सेशन है आरसीएम का, मैं पहले रिवाइज करा दूंगा। हमारे यहाँ प्लस का कोर्स है, आपको पहले बता देता हूँ, जो आपके जूनियर्स है प्लीज अपने जूनियर्स को तो अच्छी सलाह दोगे कि सीनियर जूनियर को पढ़ के आते हैं, अपने जूनियर्स को सलाह देना भैया फाउंडेशन दे दियो हो, आप टाइम वेस्ट नहीं करके 19 अगस्त से प्लस में बैच चालू हो रहा है विक्रम बियानी सर का, उसको जाके ज्वाइन कर लो। ये वार्म अप बैच है, वार्म अप बैच में सिखाऊंगा, उसके बाद रेगुलर बैच कंटिन्यू हो जाएगा, रेगुलर बैच तो 19 अगस्त से मेरा चालू हो रहा है। और मेरे कोड को आइकॉनिक और प्लस, आपको फीस बहुत कम है, ज़्यादा फीस नहीं, आपको भी पता है ये फीस बहुत कम फीस है। आप 12 महीने के लिए उनको बोलिएगा, 12 महीने और 24 महीने, और अगर आप कॉम्बैट में जाते हैं, सॉरी प्लस में जाते हैं, आइकॉनिक में जाते हैं, तो आइकॉनिक की फीस है 3,000 रुपये के करीब, और प्लस की फीस है 24,000 रुपया 300, वो भी 24 महीने के करीब, ठीक है। कोड यूज़ करिएगा VV10। कॉम्बैट में कल कई लोगों ने कॉम्बैट दिया होगा, कल कॉम्बैट दिया क्या आप लोगों ने? कुछ लोगों ने कॉम्बैट दिया, अगर आपने कॉम्बैट दिया होगा, संकेत तुमने तो दिया ही होगा। कॉम्बैट में अगर आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आती है तो अनअकैडमी आपको 50% से 75% का स्कॉलरशिप देता है, यानी कि 20,000 की फीस हो जाती है 5,000, इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है ना। आ जाओ, और कोड तो आप मेरा जानते ही हो, एवरीबडी नोज VV10। सर पता कल मुझे कोई ग्रुप में ब्लॉक कर दिया, अच्छा ग्रुप 2 भी, तो क्या हुआ, तो नहीं आता है तो जाओ मधु, कौन ब्लॉक कर दिया मेरी प्रिया को? डीटी शुरू कर दूं? बोलो रेगुलर आओगे, मुझे परेशान नहीं करोगे, मुझे तकलीफ नहीं दोगे, हैं? रेगुलर आओगे, मुझे परेशान नहीं करोगे, मुझे तकलीफ नहीं दोगे। हाँ अमेंडमेंट है मिस्टर, अगर कोई के पास अगर पैसे को लेके इश्यूज हैं, नहीं है, तो उसको प्लस में ज्वाइन कर लेना चाहिए। कहने का मतलब फैंटास्टिक बैच चल रहा है, सारे सब्जेक्ट के एक से एक बैच चल रहा है, ठीक। और मुझे पता है कि है, तो मैं अभी अब से आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपके लिए कोर्स स्टार्ट कर देता हूँ, 45 डेज का ये कोर्स होगा, 45 डेज मतलब नियरली 70 घंटे का ये कोर्स होगा, ठीक है। कितने घंटे का? 70 घंटे का, 15 तारीख को स्टार्ट होगा, 70 घंटे का होगा, हो गई बात खत्म, 70 घंटे होंगे, 45 दिन होगा, 31 सितंबर को ख़त्म होगा, और 2 अक्टूबर से चालू होगा, गांधी जयंती के दिन से रामबाग, ठीक है ना। उधर अपना हो गई बात खत्म, चल डन रहा, आप कोई फाकीबाजी नहीं, आप पढ़ाई करोगे,
मैं यही चाहता हूँ आप पढ़ाई कर बस, आप बहुत छोटे हो, मैंने अपनी जिंदगी में जो अचीव किया आप उससे ज्यादा अचीव करो यही चाहते हैं। वो प्लस वालों के लिए नहीं होगा। गुड, चलो आ जाइए। थैंक यू, लव यू। कैटेगरी में जब मैं आरसीएम में गया तो आरसीएम का पहला क्वेश्चन था गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए जब स्पेसिफाइड सर्विस को, स्पेसिफाइड एसएससी को, जैसे मैंने नाम दिया क्या क्या, जैसे फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एलएलपी, सीटीपी एंड एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो याद रखिएगा। एक जो क्वेश्चन आपने ध्यान दिया होगा, लास्ट दिन एक क्वेश्चन था फर्म को लेके, फर्म को दिया गया, जीटीए ने सर्विस दी पर वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी। क्या मतलब है तुमको रजिस्टर हो या ना हो? ये जो कैटेगरी है ये किसकी कैटेगरी है? स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी है। अगर जीटीए इनको सर्विस देती है तो क्या आएगा? आरसीएम मॉडल एप्लीकेबल होगा। इनको छोड़ के किसी और को देती है, इनको छोड़ के किसी और को देती है तो मतलब नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। इनको देती है, इनको देने के बाद आरसीएम मॉडल आएगा। अगर इनवॉइस किस रेट पे होगा? 5। अगर वो इनवॉइस किसी 12 पे होगा तो कौन जीएसटी देगा? जीटीए। जीटीए की सर्विस जब होती है तो जीटीए की सर्विस में मैंने एंट्री नंबर 20 में कुछ एग्जेम्प्टेड सर्विस के बारे में भी तुम्हें बता दिया था, उसको याद रखना। जीटीए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, काला कोट। इसमें तो खून में चला गया होगा आपके, काला कोट। अगर काले कोट को सर्विस है, काला कोट या फर्म ऑफ काला कोट को सर्विस है, काला कोट अगर विक्रम बियानी को सर्विस है और काला कोट विक्रम बियानी टैक्स क्लासेस को सर्विस है, दोनों में अंतर है। काला कोट अगर काले कोट को दे एग्जेम्प्ट, काला कोट अगर फर्म ऑफ काला कोट को दे एग्जेम्प्ट, विक्रम बियानी को दे एग्जेम्प्ट पर बिजनेस एंटिटी को दे, यानी कि जिसका टर्नओवर 20 के ऊपर, 30 के ऊपर, 20 के ऊपर, 40 के ऊपर या फिर 10 के ऊपर है तो उसके केस में आएगा। और उसमें एक चीज क्या सिखाई मैंने, अब कल एक क्वेश्चन आ रहा था ग्रुप में, क्वेश्चन चल रहा था प्लैटिनम बैच में कि सर वो काला कोट अगर एडवोकेट किसी को, एडवोकेट को क्या इन्वॉइस रेज करेगा, कैसे करेगा अगर वो रजिस्टर्ड है? अरे नालायक हो, ही इज एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विस। अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सर्विस में डील करता है सेक्शन 11 के हिसाब से तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, और वो रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं, वो इन्वॉइस क्यों रेज करेगा? तब कौन रजिस्ट्रेशन करवाएगा? रिसिपिएंट करवाएगा, क्योंकि आरसीएम मॉडल में रिसिपिएंट जीएसटी देगा, रिसिपिएंट करवाएगा, और रिसिपिएंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्योंकि उसका टर्नओवर 10, 20 और 40 के ऊपर, इनवॉइस भी वही रेज करेगा। ये सारे मुद्दे बेकार में ग्रुप को मैंने तहलका मत मचाया करो, चीजों को सीखा करो, सिंपल चीजों को जितना सीखोगे आप सीए बनने वाले हो तुम लोग 2 साल में। आप खुद का कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये एग्जेम्प्टेड सर्विस है तो अगर वो बंदा एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सर्विस दे रहा है तो वो रजिस्टर क्यों कराने जाएगा, और जब रजिस्टर नहीं कराएगा तो इनवॉइस क्यों रेज करेगा? भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रिसिपिएंट जो है वो बिजनेस एंटिटी है, उसके लिए टर्नओवर की बात ऑलरेडी हो चुकी है कि बिजनेस एंटिटी अगर लेती है सर्विस तो आरसीएम मॉडल आएगा। जीएसटी कौन देगा? बिजनेस एंटिटी देगी, वो तो रजिस्टर है, वो है आदर्श है, मैं देख रहा था उसको, नालायक। नेक्स्ट, फिर ट्राइब्यूनल अगर सर्विस है तो ठीक है, पर सीनियर एडवोकेट की सर्विस का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आपको याद होगा, एडवोकेट को दे तो एग्जाम, फर्म ऑफ एडवोकेट को दे टैक्सेबल। ये एक अच्छी चीज जो मुझे दिखाई दी पूरे के पूरे घटनाक्रम में, जो लोग कंफ्यूज करेंगे वो अलग ही वाला है, बाकी कोई टेंशन नहीं। ठीक, स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने बता दिया, अगर कोई कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव करती है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो आरसीए मॉडल आ जाएगा। फिर मैं गया सर्विस सप्लाई पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आज वो लोग जो लोग प्लस में थे आज उनका मैं एग्जेम्पशन करवा रहा था, आज मैं एग्जेम्पशन करा था, आज उनको ये रियलाइज हुआ, एग्जेम्पशन पढ़ाते वक्त उनको आज उनके मुंह से निकल गया कि आपने जीएसटी इतना पढ़ा दिया था कि एग्जेम्पशन दूध भात लगा। मैंने 82 एंट्रीज को सिखाना चार्ट बना बना के बहुत बड़ा टफ जॉब होता है, मैंने आज प्लस में वो खत्म किया। तो इनको सबको पता था कि मैं जो जो चीजें पढ़ा रहा था मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, तो उनके लिए वो चीजें रिवीजन चल रही थी। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा कि गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल या लोकल अथॉरिटी अगर कोई सर्विस देती है, बिजनेस एंटिटी को देती है और सर्विस की वैल्यू 5000 के ऊपर है तो जीएसटी किसके ऊपर आएगा? बिजनेस एंटिटी के ऊपर आएगा। अदर देन रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अदर देन सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल, अदर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर।
फिर मैंने कहा कि रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी अगर सरकार देती है किसी रजिस्टर्ड बंदे को तो क्या आएगा, आरसीएम आएगा, अनरजिस्टर को देती है तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। चलो वो आ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्लियरली मैंने बता दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर सर्विस देता है तो स्पीड पोस्ट का, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट का, एजेंसी बिजनेस का, इंश्योरेंस सर्विस का, गवर्नमेंट को तो एग्जम्प्ट, अदर को तो टैक्सेबल। इसको छोड़ के अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जैसे सेविंग अकाउंट, पे पोस्टल ऑर्डर, अंतरदेशीय लिफाफा, टीवी, ये सारी चीजें उसके हाथ में क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। ठीक है सर, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। आगे फिर मैं कहा गया था इसमें इंश्योरेंस एजेंट। चलिए प्रिया को मैंने क्या बनाया था, प्रिया को मैंने कंपनी का डायरेक्टर बनाया था, तो कंपनी देखी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंट्री नंबर 7 से, क्योंकि 8 हो चुका था, अब हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है दुनिया में हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, हम दुनिया में सबसे ज्यादा डरते हैं इंश्योरेंस एजेंट से। एकदम कर सकते हैं, हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, इंश्योरेंस एजेंट, अपना ही दोस्त, ये अपना ही जो दुश्मन, जानी दोस्त होता है ना, वो जानी दुश्मन बन जाता है। वो एक दिन आके अचानक बोलता है, और विक्रम कैसे हो, हा ठीक बात बोल रहे हो, एकदम कर सकते हैं नीसू, तीन बार बोल चुका हूं। सबसे ज्यादा दुश्मन कौन होता है, वो इंश्योरेंस, वो आके एक दिन अचानक बोलता है, अरे विक्रम भाई क्या हुआ, अरे मैंने ना LIC का एजेंट बन गया। मेरा सुन के जमीन खिसक जाती है, पैर के नीचे से जमीन, वेट करो टैक्स एंड लॉ लवर, वेट करो बेटा, जमीन घिसक गई। अरे बाप रे, मेरा दोस्त इंश्योरेंस एजेंट, वो दोस्ती की कस्में खा खा के अब वो मुझे डेली समझाएगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब तो ये हालत होगी, अगर वो दूर से मैं उसको देख लेता तो अपनी गली चेंज करके भाग जाता था। और कितने दिन भागूंगा अपने दोस्त से। एक दिन उसने चिपका दिया मेरे को, क्या चिपकाया, एक पॉलिसी जिसका नाम था जीवन मरण मृत्यु, JMM। अच्छा ये कौन सी पॉलिसी, अरे सुनो ना मजे आएगा, पॉलिसी का नाम सुन के तुम लोग को इतना खुशी हो रहा है तो पॉलिसी कितनी डाउन। ये कौन है, LIC। LIC ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए पॉलिसी लॉन्च किया। पॉलिसी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए साबुन प्रोडक्ट होता है ना, उन LIC के लिए पॉलिसी भी प्रोडक्ट ही होती है। वो पॉलिसी को बेच रहे कि प्रोडक्ट हो गई ना, वो प्रोडक्ट को बेच रहे, प्रोडक्ट को बेच रहे, उनके लिए पॉलिसी प्रोडक्ट है, याद रखना। ओके, LIC ने क्या किया, फोन किया अपने एजेंट को, इनके छुपे हुए एजेंट को, स्लीपर सेल है ये लोग। कौन कौन है, टोनी, टोनी कौन है, मलिका कौन है, अमन, मेरा प्यारा सब अमन लिंगे कौन है, और सतीश खतरनाक लड़का है, ये मेरे स्लीपर सेल है। हेलो, पॉलिसी आ गई, नाम है जीवन मरण मृत्यु, जीते जीते प्रीमियम देते रहेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, जा मेकअप बनाओ। ये लोग कौन, इंश्योरेंस एजेंट, ये लोग कौन, इंश्योरेंस एजेंट। अब ये लोग ढूंढ रहे हैं किसको, विक्रम बियानी को ढूंढ रहा है, प्रिया को ढूंढ रहा है, मुस्कान को ढूंढ रहा है, ठीक है ना, आशीष को ढूंढ रहा है, CA गाइड को ढूंढ रहा है, और हम लोग भाग, भागो 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 भागो, पकड़े ही नहीं, चिपका दिया। इन लोगों ने पॉलिसी बेच दी, किसको बेच दी, इन लोगों को पॉलिसी बेच दी। अब पिक्चर को ध्यान से समझना, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, ये लोग कोई नहीं है, ये नालायक गधे हैं जिन्होंने पॉलिसी खरीद ली, ठीक। ये लोग कौन है, ये इंश्योरेंस एजेंट है, ये सप्लायर है, ये सर्विस दे रहे किनको, इनको ना ना, ये तो प्रोडक्ट बेच रहे, इनको सर्विस किसको दे रहे, LIC को। रिसिपिएंट कौन, LIC। प्रोवाइडर कौन, इंश्योरेंस एजेंट। GST कौन देगा, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। मेरे ख्याल से पहली बार सुपर क्लियर हो गया होगा इंश्योरेंस, क्योंकि लोगों को अभी तक कंफ्यूजन रहता है कि जो पॉलिसी खरीदते हैं वो तो खरीदार हैं, रियल में प्रोडक्ट किसका है, LIC का। बिकवा कौन रहा है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन हुआ, इंश्योरेंस एजेंट कौन हुआ, सप्लायर, किसको सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस एजेंट को। अब समझ में आया दोस्त कितना इंपॉर्टेंट है, आज के बाद इंश्योरेंस को लेके ऐसे भी जो भी पढ़ोगे उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, भरोसा रखो। हो गया खत खत्म, पानी पानी हो गया, पानी पानी,
समझ गए, एकदम इजी। गुनगुना रहा हूं मैं कभी कभी, कभी कभी गुनगुना रहा हूं मैं कभी कभी, कभी कभी कैसे हो तुम, कैसे हो तुम। डैश डैश फिर मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार को कहीं, चांद ने कहा अभी अभी अभी। क्या लिखते हो, अरे ओरिजिनल अभी अभी दिल से निकल के आया है। अरे भाई आप तो बड़े ही म्यूजिक कंपोजर, एकदम ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल है, समझो इसका कितना ओरिजिनल है। अच्छा ओरिजिनल है, म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने कहा सर कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट ठीक है दिया, कॉपीराइट दे दिया, कॉपीराइट दे दिया किसको दिया, म्यूजिक कंपोजर ने कॉपीराइट दे दिया म्यूजिक कंपनी को। सप्लायर कौन, मैं। रिसिपिएंट कौन, टी सीरीज। जीएसटी कौन देगा, टी सीरीज। खत्म हो गया, इतना पंगा क्यों करते हो इन सब चीजों के लिए, खत्म हो गया रे बाबा, खत्म हो गया। नहीं विशाल अभी नहीं करवाई, 10 तारीख को कराऊंगा, 10 और 12 को कराऊंगा सर जी, खत्म। इसमें देखो आपको एक मिलेगा ऑथर, ऑथर को काट दो, ऑथर के लिए अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक। ऑथर अपने को खाली क्या पढ़ना है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक, ये लोग क्या करेंगे, इनका ओरिजिनल वर्क होगा, ओरिजिनल वर्क, इस ओरिजिनल वर्क का पेटेंट करवा लेंगे और फिर इस पेटेंट को राइट टू यूज दे देंगे किसको, किसको, इनको। किनको दे देंगे, इनको, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी। ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, आर। ये कौन हो गया, एस। जीएसटी कौन देगा, आर। ये सब 2 मिनट का काम है, इसको लेके इतना 6 पॉइंट तो बता दिया था बेटा, बहुत पहले ही बता दिया था, प्रतिभा डायरेक्टर वाला पहली क्लास में बता दिया, इसको लेके इतना बवाल, मैं आज तक नहीं समझा भाई इसको लेके इतना बवाल क्यों करते हो। ये तो बच्चा भी समझ जाएगा कि मैंने एक फोटो खींची ओरिजिनल, ठीक है ना, म्यूजिक ओरिजिनल बनाया, मैं ओरिजिनल आर्टिस्ट हूँ, मैंने म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर को या किसी मैगजीन को अपनी पेटेंट करवाने का उसको राइट टू यूज दे दिया, वो उसके बदले मुझे देगा रॉयल्टी, और जो रॉयल्टी देगा उसके ऊपर कंसिडरेशन के ऊपर जीएसटी कौन देगा, रिसिपिएंट देगा। इतना इसके ऊपर ज्ञान देते हैं लोग। हाँ बोलो सर, इतना ज्ञान क्यों देते हैं मुझे नहीं पता। अब इतनी इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, अब ये लड़का आके मुझे बोलेगा सर आपने ये वाला इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाया, हमारा तो पेज प्रिंटिंग, पे प्रिंटिंग का कॉस्ट लग गया। ठीक है भाई, ये सब इंडिपेंडेंट ही हैं रवि। हाँ थोड़ा है वो मैं बता दूंगा, 6 पॉइंट में मैं बता दूंगा, डोंट वरी। देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर, ठीक है, अनु मल्लिक, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक। लो पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, देखो क्या क्या समझ में आता है, इंग्लिश भी पढ़ लो। देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और enjoyment of copyright covered under section this of the copyright act relating to original literacy, relating to original drama, literacy तो चला गया, ठीक है ना, relating to original drama, musical or artistic work to a publisher, publisher word को मैं हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ, music company, producer और like, क्या पढ़ने की जरूरत थी, क्या ये पढ़ने की जरूरत थी, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी ना, सीधी बात थी, म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर एक ओरिजिनल वर्क तैयार करेगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, अपनी फील्ड में
फिर उसको वो क्या करेगा, पेटेंट करवाएगा और राइट टू यूज दे देगा किसको, किसी किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को, उसके बदले रॉयल्टी मिलेगी, वो कंसिडरेशन होगा, उसे सप्लाई माना जाएगा क्योंकि पैसे आ रहे तो सप्लाई मानेंगे, पर इसमें आरसीएम मॉडल आएगा। बताओ, अब लोगों के मन में आया, सर आपने ऑथर क्यों, मैं चाहता तो वहां ऑथर रख सकता था, मैं उसको ब्लैकआउट किया जरूरी नहीं, पर मैं चाहता हूं आप ऑथर को अच्छे से समझो। बोल अच्छा, ध्यान से देखो ये कौन है, ऑथर कौन है, ऑथर, इसने ओरिजिनल डेवलप किए, फिर इसको पेटेंट एंड कॉपीराइट करवाए, क्या करा, कराऊंगा, पेटेंट एंड कॉपीराइट करवाया। अब इसके पास देखो ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, इससे मैंने इसको अलग किया, बस ठीक है ना, इसको मैंने इसलिए अलग किया, ऑप्शन वन ऑप्शन टू, ठीक है ना। पेटेंट एंड कॉपीराइट करा के इसने क्या किया, राइट दे दिया। बागवान पिक्चर देखे हो, बागवान पिक्चर कौन कौन देखा, अमिताभ बच्चन बोले, अरे भाई साहब टैक्स एंड लॉ लवर चल क्या रहा है तुम्हारा, तुम जिस पॉइंट पे हो वहां पे ध्यान नहीं देके तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। अरे भाई यो पॉइंट पे ध्यान ले ले, बाद में वो उस पॉइंट पे ध्यान ले लियो, नहीं तो यो भी चले जासी वो भी चले जासी, दोनों से हाथ धोवे सी, बा गर्लफ्रेंड भी को नहीं रहोगी या गर्लफ्रेंड भी को नहीं रहोगी, के चल है तू भाई, पेटेंट एंड कॉपीराइट। अब ये पेटेंट एंड अमिताभ बच्चन को याद है ना, अमिताभ बच्चन किताब लिख के आते हैं, फिर राहुल वो परेश रावल उस किताब को प्रिंट करवाने का राइट देता है और पब्लिशिंग हाउस में किताबें बिक रही है और रॉयल्टी पे रॉयल्टी आ रहा है, रॉयल्टी पे रॉयल्टी आ रहा है, रॉयल्टी पे रॉयल्टी आ रहा है, रॉयल्टी पे पैसा 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 पैसा। कहां गया मेरा लवर, टैक्स लवर कहां गया, समझे टैक्स लवर, ये जो मैंने बोला वो राजस्थानी था, है ना, ठीक है, मैं राजस्थानी हूं तो मुझे राजस्थानी नहीं, मारवाड़ी आदमी हूं, पक्का खाटी राजस्थानी हूं, खाटी मारवाड़ी आदमी हूं, तो मैं अगर मुझे मारवाड़ी आदमी हूं मुझे मारवाड़ी नहीं आए तो फिर टैक्स पढ़ाने का फायदा क्या ना लाइक, नहीं अभी लवर आ जाएगा, वो ब्रेकअप करके कहीं जा नहीं सकते, कहां गया रे तू, ये भाग गया क्या, देखो भाग गया। ओके ओके सौरभ भाग गया, वो पक्का चला गया, ये भगवान, देखो एक को एक समझाया तो चल चल छोड़, तो ओरिजिनल वर्क लिटरेसी का उसने लिखा, पेटेंट एंड कॉपीराइट, अमिताभ बच्चन ने बोला कि मैं भैया मेरा एकदम ओरिजिनल वर्क है, तुम राइट टू यूज करो। अमिताभ बच्चन के पास ऑप्शन नंबर वन है, वो एफसीएम में जाएंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और अमिताभ बच्चन के पास ऑप्शन है आरसीएम में जाएंगे। अब समझ में आया दोनों को अलग क्यों किया गया, अब समझ में आया दोनों को अलग क्यों किया गया, अब समझ में आया दोनों को अलग क्यों किया गया। ऊपर वाले में ऑथर था, ढंग से समझो,
1 अक्टूबर 2019 के पहले के अगर मटेरियल देख लोगे तो उसमें ऑथर भी था। 1 अक्टूबर 2019 को अमेंडमेंट आया जिसमें ऑथर को कहा गया कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो फॉरवर्ड पे अमिताभ बच्चन को बोला, आप चाहो तो आप जीएसटी दे सकते हो और आप ना चाहो तो आरसीएम मॉडल में भी जा सकते हो। बोला अच्छा मैं दो दो मॉडल में, हाँ तो ऑथर को अलग से एंट्री बना दी, भैया ले लो। अब देखो सप्लायर कौन, खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं इसमें। सप्लायर कौन, ऑथर ऑथर अमिताभ बच्चन। पब्लिशर कहां होगा, पब्लिशर कहां होगा, टैक्सेबल टेरिटरी, डेफिनेटली इंडिया में होगा। हाउएवर, अब देखो यहां से क्या बोला, हाउएवर हाउएवर, देखो मैं मटेरियल से पढ़ा रहा हूं, पेज वेस्ट नहीं करूंगा। हाउएवर नथिंग कंटेंड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर 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 The author has taken, देखो लिखा ना, the author has taken registration, author ने registration ले लिया, अमिताभ बच्चन ने GST में अपने आप को register करवा लिया, तो उसको ITC का benefit लेगा ना भैया। Registration, इस बंदे ने अपने आप को 22 में या फिर अगले ने 24 में या 25-3 में अपने आप को register करवाया। अंदर जा, जैसे ही वो registration करे, आप बोलेगा मैंने तो registration करा लिया तो मैं तो FCM में जाऊंगा, अच्छा and filed a declaration or declare भी दे रहा है, I am declaring myself Mr. Amitabh Bachchan, I me my Amitabh Bachchan son of Harivansh Rai Bachchan declared that whatever books are going to publish and royalties this year I am going to register with the GST department and declare that I will liable to pay the GST। आप तो declare कर दिए प्रभु, अब जब आप declare खुद कर रहे हो तो बाकी बातें बेमानी हो गई, पढ़ाने का भी फायदा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने का। बताओ, इन द स्पेसिफाइड फॉर्म बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर का, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल मतलब 2021 चल रहा है, साल के स्टार्ट होने के लिए डिक्लेरेशन दे देगा, विद द जुडिशियल सीजीएसटी और एसजीएसटी कमिश्नर एज द केस मे बी दैट ही एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे सेंट्रल टैक्स on such service in accordance with the section 9-1. What is 9-1 dost? What is 9-1? Declaration de raha kiske liye? Ki main FCM mein GST dunga. Under forward charge and to comply with all the provision of CGST Act as they apply to person liable to paying the tax in relation to supply of any goods or service or both and that he will not withdraw. मैं विड्रॉ भी नहीं करूंगा द सेड ऑप्शन विद ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। एक साल तक मैं इसको विड्रॉ नहीं करूंगा, अगले साल देखूंगा, डिसाइड करूंगा। सच ऑप्शन द ऑथर मेक्स अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज ऑफ द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन द फॉर्म नंबर जीएसटी टू द पब्लिशर। हो गई बात खत्म, बोलो क्या टफ था, ये इजी था, टफ था ये इजी था, टफ था ये इजी था, याद हो गया, याद हुआ, इजी था या टफ था? बोला सर याद हो गया, पूरा खून में चला गया, अब तो रात को भी उठा के कोई पूछ ले तो हम बता देंगे, डोंट वरी सब बता दोगे। ध्यान से देखो ये कौन आरबीआई, ठीक से देखो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, ये कौन आरबीआई ये कौन आरबीआई आरबीआई सर्विस एरिया टू एनी पर्सन, ध्यान रखना आरबीआई जब सर्विस देती है टू एनी पर्सन तो वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 11। ध्यान रहेगा बोला हाँ सर ध्यान रहेगा। आरबीआई जब किसी को सर्विस देगी तो वो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 में, पर आरबीआई को भी तो सर्विस देगा, आरबीआई के ऑफिस में लैपटॉप लगे हुए हैं, आरबीआई के एसी लगे हुए हैं, आरबीआई को कितनी सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, आरबीआई भी तो सर्विस लेती है, तो आरबीआई को सर्विस देगा कौन, देगा टू। मान लो ये बंदा बैठा, ये आरबीआई को सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है, आरबीआई को सर्विस दे रहा है, तब ये जो सर्विस होगी वो टैक्सेबल होगी, ठीक है।
टैक्सेबल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है कि आरबीआई को अगर मैं सर्विस देता हूं तो वो टैक्सेबल होगी। अब इसमें एक पॉइंट है, टैक्सेबल कौन किसमें, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, कौन जीएसटी देगा वो देगा। पर इस टू में अगर ओवरसिंग कमेटी किसको सर्विस दे रही है, आरबीआई। इसका काम क्या है, फॉरेक्स जो रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व जो गवर्नमेंट सरकार के यूरो डॉलर यूरो भरा पड़ा है, फॉरेक्स रिजर्व कंसल्टेंसी देती है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस केस में टैक्सेबल तो है पर कौन से मॉडल में, आरसीएम मॉडल में। क्लियर, कितना अच्छे से देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जम्पशन को भी कवर कर दिया मैंने कि आरबीआई को कोई सर्विस देता है, आरबीआई जब किसी को सर्विस देती है 11 में एग्जम्प्ट है, अगर आरबीआई को मैं सर्विस दूं तो वो टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल। पर वहीं पे अगर ओवरसीइंग कमेटी अगर सर्विस देती है, कमेटी होती है जो कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई होती है, वो सर्विस दे रही है किसको, आरबीआई को, कि फॉरेक्स रिजर्व को कैसे मेंटेन किया जाए, उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, हम फेमा के रूल को कैसे फॉलो करें, इनके हिसाब से एक सर्विस देती है ओवरसीइंग कमेटी, वो भी टैक्सेबल है पर आरसीएम मॉडल में। धोती खोल दी मतलब, सुमंत सौरभ आप आर्टिस्ट अच्छा ड्राइंग करते, थैंक यू, मैं टैक्स का टीचर हूं, सारी चीज मैंने एक जगह खोल दी। अब मुझे नहीं लगता है कि एंट्री नंबर 10 में आज के बाद तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना, सेक्शन 10 में भी पढ़ने की, सेक्शन 11 में भी खत्म हो गया, सेक्शन 11 में सेम टू सेम चार्ट बनाऊंगा पर अब नहीं बनाऊंगा। गवर्नमेंट की बात मत करना अंश, यहां गवर्नमेंट की बात मत करियो, ठीक है अंश, गवर्नमेंट का गेम अलग है। अब थोड़ा गंदा गंदा सर्विस आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा समझदारी भरा बात करोगे, ठीक है ना, थोड़ा गंदा गंदा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा समझदारी वाला बात करना है, प्लीज रिक्वेस्ट। यूएसए, ठीक, यूएसए से एक जहाज चला, चलो 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 चलो, पहुंच गया इंडियन पोर्ट पे, बोला हाँ ये बंदा कौन, ये बंदा सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, कि बोला मैं यहां से यूएसए पोर्ट से सामान को उठाऊंगा और मैं इंडियन पोर्ट तक डिलीवरी दे दूंगा, इंडिया में मैं आपको क्या करूंगा, इंडियन पोर्ट पे डिलीवरी दे दूंगा, ओके सर। तो ये जो सर्विस ये बंदा दे रहा है, इसका नाम है मैक, मिस्टर मैक, मैक सर्विस क्या दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है, किसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस, कहां से, यूएसए पोर्ट टू इंडियन पोर्ट, बस यहां तक। ये टैक्सेबल तो है बट आरसीएम है, टैक्सेबल तो है पर आरसीएम, ध्यान से समझना, सर्विस सप्लाइड बाय ए पर्सन, पर्सन हमारे यहां पे कौन है, मैक, सर्विस कौन दे रहा है, मैक दे रहा है, लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कहां पे है, यूएसए में, बंदा मैक है जो यूएसए का बंदा है, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए व्हीसल, व्हीसल आ रहा है
फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, कहां से? यूएसए से, अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस ऑफ इंडिया, अप टू कस्टम स्टेशन, ये रहा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो सर्विस मैक दे रहा है तो इंडियन पोर्ट तक, ये टैक्सेबल है तो जीएसटी कौन देगा? इंपोर्टर लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी। सर जी आप तो बोले थे तो ये है वो है, हैना है तैना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे डरा रहा था तुम लोगों को, इतना इजी हो गया ये तो। अच्छा अब ध्यान से देखो, इस दो के ऊपर ज्यादा ध्यान पब्लिक देती नहीं है, ये दो के ऊपर पब्लिक ज्यादा ध्यान नहीं देती। बोला क्यों सर? दोनों बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, बैंकिंग कंपनी का ही कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब क्वेश्चन, ये फैसिलिटेटर कौन है? अब क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये फैसिलिटेटर कौन है? ध्यान से देखो, मान लो आईसीआईसी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक, एक गांव है जिसका नाम है चिंपकोड़ी, उस गांव का नाम है चिंपकोड़ी, क्या नाम है? चिंपकोड़ी, नाम सुने हो? यूपी में एक गांव है एकदम रूरल, नाम सुने हो? बोला नहीं सर नहीं सुने, कोई सुना होगा तो मार दूंगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस, वही तो समझाने की चेष्टा करना हो, तुमको जब क्वेश्चन पूछना होता है तो तुम तुरंत क्वेश्चन भेज देते हो, और जब हम लोग चिल्ला रहे थे कहां गया टैक्स लवर लॉ लवर टैक्स लवर लॉ लवर, तो गायब हो गए। हाँ यही लवर है तुम्हारा, यही प्यार है तुमको मेरा, मेरे संग तुम्हारा, अभी बता रहा हूं तेरे प्यार को। चिंपकोड़ी, अगर कोई बोलता है हमने सुना है तो धुलाई हो जाएगी, कहां से सुन लिया रे बाबा, ऐसा कोई गांव है क्या? मुझे, मैंने भी नहीं सुना है चिंपकोड़ी। अब आईसीआईसी बैंक को पता है कि चिंपकोड़ी जो है धनी लोग रहते हैं वहां, गांव में धनी लोग रहते हैं, पर वहां पर उसकी कोई बैंक ब्रांच नहीं है, तो उसने क्या किया, फोन किया किसको, इसको, ये कौन है? टैक्स एंड लॉ लवर, चलो इसका नाम क्या है मुझे तो नहीं पता, इसका नाम से सिद्धार्थ ना, सिद्धार्थ ना, ठीक है, टैक्स एंड लॉ लवर को फोन किया, बोला तुम मेरे बिजनेस फैसिलिटेटर बन जाओ। कौन बन जाओ? बिजनेस फैसिलिटेटर। बोला बॉयफ्रेंड नहीं रहे नालायक आदमी, तुम लोग बॉयफ्रेंड मत समझ लियो, बोला बी एफ क्यों लिखा रहे भाई, बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ भी मत समझ लिया करो तुम लोग। तो ये टैक्स एंड लॉ लवर रचना है, खतरनाक है रचना, बट मुझे उस हर एक लोग से प्यार है जो टैक्स लवर होते हैं, मैं भी उसका लवर ही होता हूं। वो फिर से भाग जाएगा, उसका समझ में आ गया ना, क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेगा, ये एस क्या करेगा, प्राग से बम फेंक के भाग जाएगा, फिर आएगा बम फेंकेगा फिर भाग जाएगा। एक दिन हम लोग क्या करेंगे पता है, एक दिन हम लोग क्या करेंगे, बम वो फेंकेगा अपने पकड़ के वापस उसी के ऊपर फेंक देंगे, ठीक है, ध्यान रखना अगली बार है। ठीक है, अगली बार दादा ठीक है ना, बम पकड़ेंगे और फेंक देंगे अगली बार। अब ढंग से सुनो, बिजनेस फैसिलिटेटर को फोन किया, ओ भाई ओ भाई ओ भाई टैक्स लवर, बोला हाँ बताइए, आप चिंपकोड़ी जानते हैं? बोला हाँ मैं जानता हूं, बगल के गांव में रहता हूं, तुम एक काम करो यार,
तुम हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर बन जाओ और जासूस की तरह चिमकोड़ी गांव में चले जाओ। किसकी, कौन से गांव में? चिमकोड़ी गांव में जासूस की तरह चला। क्यों जासूस क्यों बनूं, कोई गलत काम थोड़ी कर। बोले नहीं नहीं पता लगाओ किसको पैसे का जरूरत है। तो तुम मुझे पता ना किसको किसको पैसे का जरूरत है, हम लोग बाद में उसके पास जाके सर्विस दे देंगे। गांव में ब्रांच तो नहीं खोलेंगे पर सर्विस दे देंगे। मैं जाके कर दूं? नहीं 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 तुम कुछ नहीं करोगे, तुम खाली पता लगाओगे कि किसको पैसे का जरूरत है। तो पता चला विशाल को जरूरत है, सुमन तो दा को जरूरत है, अदनान को जरूरत है, स्नेहा को जरूरत है, ममता को जरूरत है। उन लोगों को पैसे का जरूरत है, किसी को ज्वेलरी खरीदना था, किसी को बिजनेस लगाना था। सब मैं गांव में जासूसी करके मुझे पता चल गया, मैंने आईसीआईसी को बोल दिया। अब आईसीआईसी बैंक अपना रिप्रेजेंटेटिव को चिमकोड़ी गांव भेज के उन लोगों को पकड़ लेगी, उन लोगों को पकड़ लेगी। आपको सामान खरीदना, आइए आइए घर बनाना है, दुकान आ जाइए, हमारे पास आपके सारे बिजनेस है। तो आप समझे चक्कर, एक सेकंड में समझ गए होंगे। ये बिजनेस फैसिलिटेटर उस बैंक को फैसिलिटी दे रहा है, हेल्प कर रहा है, किसको क्या जरूरत है, इसलिए उसका नाम पड़ गया बिजनेस फैसिलिटेटर। ऐसे का तो बिजनेस है ना वो। तो यहाँ पे इससे अच्छा कौन समझाऊं रे बाबा, और इससे अच्छा कौन समझाएगा तुमको। ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, देखो अभी अभी मनी कंट्रोल में ऐड आया, थ्री स्टेप टू इंश्योर इंक्रीमेंटल, ये सब बिजनेस फैसिलिटेटर बन गए। कैसा लगा तुम लोग को बिजनेस फैसिलिटेटर जानने में? यस, ये कौन सप्लायर, यहाँ पे रिसिपिएंट कौन, ये तो कौन जीएसटी देगा, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। आजा आजा विद्या आजा, पानी 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 पानी, क्या मस्त है गुरु, है बनी। ए हिमांशु आरसीएम का अलग ही मजा आ रहा है ना इस बार, है हिमांशु इस बार आरसीएम में अलग ही मजा आ रहा है ना। मैंने अब मुझे, मैंने अभी जो आरसीएम है, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको, अरे कहाँ गया टैक्स लेवर, तुम्हें समझ में आ, बिजनेस फैसिलिटेटर कौन है? बिजनेस फैसिलिटेटर खाली आपको रिप्रेजेंट करेगा, पर आपके आपको रिप्रेजेंट करेगा, बिजनेस लाके आपको देगा, पर वो किसी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। हाथी घोड़ा सबके है, आप ध्यान से देखो। अब लोग बोल रहे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, ओके ओके बेटा ओके। अब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कौन है, अगर मैं बैंकिंग के हिसाब से समझा, चलो बैंकिंग में भी तुम्हें सिखा देता हूं, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने क्या किया, सीए गाई को फोन किया कि तुमको चिमकोड़ी गांव पता है? बोला हाँ पता है। अरे नलायक तुमको चिमकोड़ी गांव कैसे पता लगा? बोले अभी तो पढ़ा है आप चिमकोड़ी गांव। अरे यार छोड़ ना, तुमको पता है क्या, मजाक कर रहे। बोले नहीं सर, चिमकोड़ी गांव जाओ, हमारे करेस्पॉन्डेंट बनके, करेस्पॉन्डेंट वर्ड खुद एक बड़ा वर्ड है, करेस्पॉन्डेंट। मैं कौन, मैं इस फलाना फलाना कंपनी का करेस्पॉन्डेंट हूं। करेस्पॉन्डेंट और फैसिलिटेटर के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, करेस्पॉन्डेंट अपने मालिक के बदले उसके ट्रांजेक्शन को भी वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो बिजनेस फैसिलिटेटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, करेस्पॉन्डेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। दोनों में अंतर समझ आया। फैसिलिटेटर खाली आपको फैसिलिएट करेगा, बिजनेस ला के देगा, करेस्पॉन्डेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके बिहाफ में एग्जीक्यूट भी करेगा। आगे समझ में बात। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। तो जीएसटी, ये सप्लायर, एक करेस्पॉन्डेंट सप्लायर बन गया, एक करेस्पॉन्डेंट रिसीवर बन गया। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि रिसिपिएंट जीएसटी, इसमें दम नहीं है। हाँ लाइक एज, इसमें दम नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। जी क्लास में आने के बाद जाने का मन नहीं करता है, यानी कि करेस्पॉन्डेंट का क्या होगा,
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मेन मुद्दा क्या है, वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट दैट ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है जो फैसिलिटेटर कभी नहीं कर सकता है। ओके, क्लास में आने के बाद जाने का मन नहीं करता, अरे ना लायक बैठे रहो, फिर दिनेश भाई बैठे रहो, कोई ना थोड़ी है, तुम तो अपने ही हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा मुझे लगता है इसको करके एक प्रैक्टिकल कराया जाए, इसको करके प्रैक्टिकल करें। बोला हाँ सर, एक प्रैक्टिकल करते हैं। सर्विस सप्लाई भैया इजी है, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मटेरियल से पढ़ा रहा, प्रिंटिंग कॉस्ट बचा रहा। सर्विस सप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जीएसटी कौन देगा? बैंकिंग कंपनी देगी। ये डीएसए कौन है? मान लो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विक्रम बियानी के संग कॉन्टेक्ट किया। विक्रम बियानी कौन है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। विक्रम बियानी न तो कंपनी है, विक्रम बियानी न तो एलएलपी है, विक्रम बियानी न तो फर्म है। एसबीआई ने इसको क्या बनाया? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनाया। विक्रम बियानी क्या करेगा? विक्रम बियानी सीधा का सीधा क्या करेगा? डायरेक्ट सेलिंग है, वो सारे डायरेक्ट कंपनी बैंक के बिहाफ में सारे काम करेगा। ठीक है ना, टू एनी पर्सन, किसको सर्विस देगा? एनी पर्सन। ठीक है सर, एनी पर्सन, ठीक है, कुछ भी कर सकता है बैंक के बैंक। यहाँ पे सप्लायर कौन है? वीवी। सर्विस वो किसको दे रहा है? आरबीआई को, एसबीआई को। बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी उसके ऊपर टैक्स देगी। बकवास है, बकवास है, कुछ नहीं है। मुझे बैंक ने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बना, जाओ, पर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, फर्म नहीं होना चाहिए, एलएलपी नहीं होना चाहिए। वही बताना पड़ेगा, प्रिंटिंग वाले बच्चे को बुलाना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल हो जाए, एक प्रैक्टिकल तो बनता है सर। चलो एक प्रैक्टिकल देखते हैं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। जल्दी से बताओ तो बेटा, ठीक से पढ़ना। ये सीए फाइनल का आरटीपी का क्वेश्चन है। लेटेस्ट जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो ये क्वेश्चन आरटीपी में सीए फाइनल में उन्होंने डाला था। बोला अच्छा पढ़ो, सबको पढ़ते पढ़ते आंसर आना चाहिए, पहले बताते तो धुलाई हो जाएगी। फाइनल मत देखो, देखो क्वेश्चन एग्जाम का है, प्रोविजन का है। मिस्टर विकी फ्रैंकलिन एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर, अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर रिसीव 3 करोड़। फेमस किताब ही लिखना काम चालू कर दिया, इसमें तो पैसा मिलेगा नहीं, क्वेश्चन में किताब लिखते हैं, जो भूल तो भूल जरूर किताब लिखना चाहिए। बाप रे बाप, 3 करोड़, हम तो सुनने कोई लगाने बोल दे 3 करोड़ में वो ना लगा सके, हम कलेजा बैठ गया। फेमस ऑथर, उफ, 3 करोड़ ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम शिव भवन पब्लिशर, शिव भवन पब्लिशर लोकेटेड इन इंदौर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर। क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर करता तो फिर वो तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स मान लेता, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट कवर्ड अंडर दिस फलाना फलाना एक्ट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेसी वर्क ऑफ हिज न्यू बुक्स, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने कर दिया, एंड मेड अवेलेबल द बुक्स टू द पब्लिशर। थैंक यू अभिता, कौन सी किसमें बेटा, किसमें अदनान, अदनान किसमें बेटा, किसमें दोनों पार्टी रजिस्टर है? तो साक्षी बोल रही है आपको मुझे 1 करोड़ देना, तो मैंने बेटा 1 करोड़ में कितना शून्य होता वही नहीं देखा, मैंने अपनी लाइफ में 1 करोड़ नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा, आगे का मुझे भविष्य का पता नहीं। ठीक है, आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लो, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना तुम लोग, इसके बाद पूछ लेना जो पूछना। मिस्टर विकी फ्रैंकलिन
एंड बट हैज नॉट रेज द इनवॉइस, ही फिनिश हिज वर्क मेड अवेलेबल टू द बुक्स एंड बट नॉट, उसने इनवॉइस रेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पता था मैं तो ऑथर हूं, मैं आरसीएम मॉडल में हूं, पब्लिशिंग ऑफ शिव भवानी पब्लिशर जीएसटी देगा। अब वो शिव भवानी पब्लिशर कौन? वो टैक्स लवर जैसा कोई जिद्दी इंसान। वो बोला Rankin is of view that the Shiv Bhavani publisher is liable to pay tax under river charge on service provided by him. Shiv Bhavani does not. Shiv Bhavani is a pagal aadmi. Hum nahi denge. And not ready to deposit the tax under any circumstances. Bola chahe kuch bhi ho jaye, main GST nahi dunga. Bhai bhais pani mein. Are ba. Bola aap registered ho, main registered hoon. Aap GST bola ho. Na, wo sab nahi jante. Main nahi dunga. Achha. Examine whether Mr. V, view of Mr. Franklin is correct. ठीक है, view that SBC liable to pay tax under, yes correct तो है, उसका view तो correct, इसमें तो मुझे कोई doubt ही नहीं। Further, if the view of Mr. Franklin is correct, what is the recourses available with Mr. Vicky Franklin to comply with the requirement of GST law as SBS completely refused? Declaration. अब तो तुम लोग हीरो हो गए, समझ गए क्या question था? डिक्लेरेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन करने के बाद जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आंसर आया कि नहीं आया ये बताओ। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ाई इसे ही कहते हैं। अगर पढ़ना है तो ऐसा ही पढ़ाई करो, डूब जाओ पढ़ाई में। बाकी सब इंग्लिश में लिखा अपने को, और ये क्या डिक्लेरेशन में क्या लिखेगा? मैं इस ऑप्शन को अवेल करता हूं और एक साल तक मैं इसको विड्रॉ नहीं करूंगा, एक साल तक विड्रॉ नहीं करूंगा, यह तो हमें पता ही। ध्यान से देखो, पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, डिसाइड विच पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी। बताओ, मिस्टर रघु प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट एकेडमी एंड एलएलपी। जल्दी बोलो आतिफ, एक सेकंड रुक जा बेटा, क्लास खत्म हो जाए तो अब बता देता हूं। ए साक्षी, उसकी हेल्प कर दो ना यार, आतिफ की। राहुल, राहुल साक्षी, दिनेश, देखो जल्दी बताओ, मिस्टर रघु प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट एकेडमी एंड एलएलपी। रघु देगा या एलएलपी देगा? अरे रघु तो इंडिविजुअल है, रघु तो ऐसे भी इंडिविजुअल है, कौन देगा? वी विन। ये क्या हुआ? ये तो खत्म होने के पहले खत्म हो गया, ये तो सम के स्टार्ट होने के पहले खत्म हो गया। रे बाबा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लॉटरी लग जाएगी अपनी तो। हाँ सर, लॉटरी लग जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, लफड़ा मत करना। बोला सर आपने कराया नहीं, मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है ना। एंट्री नंबर 15 एंड एंट्री नंबर 16 में एग्जम्पशन के साथ करा दूंगा, ध्यान रखना है, जहां पे जरूरत आएगी मेरे को। अगर दिसंबर के पहले विड्रॉ कर लिया तो फिर तो पेनल्टी में चला जाएगा, ऐसे डिक्लेरेशन कोई विड्रॉ नहीं करेगा। सुन भाई, अब तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चन है तुम पूछो। एक साल के पहले वो विड्रॉ नहीं करेगा, अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो पेनल्टी में, पेनल्टी थोक देगी डिपार्टमेंट। मजाक है क्या कि तुम डिक्लेरेशन, कुछ भी हाइपोथेटिकल पूछते रहो है? चलिए और बोलो, और क्या क्वेश्चन है तुम्हारे? खत्म हो गया आरसीएम, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या
वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक कंपोजिशन स्कीम। हाँ, क्या पूछ रहे? एक क्वेश्चन है टैक्स एंड लॉ लवर का, सर अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है और वो कंसाइनर कंसाइनी को सप्लाई करे तो सप्लाई ही नहीं मानेंगे ना, तो आरसीएम एफसीएम देखेंगे ही नहीं। अच्छा सर, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अनरजिस्टर्ड है, तो अच्छा एक बात बता, अगर मैं मान लेता हूं कि गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट अनरजिस्टर्ड है और वो कंसाइनर कंसाइनी को सप्लाई कर रही है, पर एक बात, एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे पॉइंट पे, आरसीएम मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो सकता है क्या? सेक्शन 94 नहीं हो सकता है क्या? कंसाइनर कंसाइनी में कोई भी रजिस्टर हुआ तो, कंसाइनर कंसाइनी जो फ्रेट का पेमेंट करता है वो रजिस्टर हुआ तो रजिस्टर पर्सन टेकिंग द सर्विसेज फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो 94 का कॉन्सेप्ट अभी भी द्वार खुला हुआ है ना। है टैक्स नंबर 94 तो खुला हुआ अभी भी द्वार, एंट्री नंबर 5। अब बोलो तुम, हाँ अगर ये तुम मुझे बोलती हो, अगर आप तुम मुझे ये बोलती हो या बोलते हो, व्हाटएवर, तुम्हारा नाम तो नहीं पता मुझे, अगर आप मुझे ये बोलते हो कि नहीं सर कंसाइनर कंसाइनी दोनों ही अनरजिस्टर्ड, जीटीए भी अनरजिस्टर्ड, तो एंजॉय करो। नो। अच्छा अरे भगवान क्या बात कर रही हो, सप्लाई नहीं कर सकते, ये किसने बताया अनरजिस्टर्ड कैन नॉट मेक द सप्लाई अंडर जीएसटी, ये किसने बताया? मैं अभी अनरजिस्टर्ड में सर्विस दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, अभी मैं अनरजिस्टर्ड में सर्विस दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, आप अनरजिस्टर्ड आप सर्विस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, है क्या, कौन सी दुनिया में हो, क्या लिख रहे हो तुम? अनरजिस्टर्ड कैन नॉट मेक सप्लाई एंड जीएसटी, सप्लाई तो कोई भी कर सकता है, मैं जो दे रहा हूं सप्लाई तो है पर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, फूल वाला फल बेच रहा है, फल वाला फूल बेच रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, कोई तो सप्लाई तो कर ही रहा है ना, छोटे छोटे दुकानदार सप्लाई तो सभी कर रहे हैं, उसमें कई मैक्सिमम लोग अनरजिस्टर मिलेंगे, रजिस्टर कौन बोला सप्लाई नहीं कर सकता, अभी तो पॉइंट आया 94 कि एक रजिस्टर्ड बंदा एक दुकान में पहुंचा, उससे बोला तुम रजिस्टर्ड हो, बोला नहीं मैं तो रजिस्टर्ड नहीं, मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, अच्छा ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, जैसे ही रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे से लेगा सर गुड्स या सर्विस परचेस करेगा, रजिस्टर्ड बंदा इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर 94। बैठ गई हो, वो कह रही है कि क्या कह रही है कि उसने लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, कि क्या पूछा उसने, मैं जीएसटी के पॉइंट से बोल रही हूँ, मैं जीएसटी के पॉइंट से, मैं भी जीएसटी के पॉइंट से ही बोल रहा हूँ, मैं जीएसटी के पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं जीएसटी का पॉइंट के बाहर कुछ बोल रहा हूँ क्या, मैं जीएसटी के पॉइंट से ही बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा विद्या अदनम, सर अगर दोनों पार्टी ही रजिस्टर्ड हो तो सर्विस रिसिपिएंट इलाइबल, पहले बताओ दोनों पार्टी कौन, कौन से क्वेश्चन के लिए तुम दोनों पार्टी का बात पूछ रहे हो अदनम, पहले ये तो बता दो कौन से क्वेश्चन के लिए। विद्या सर डाउट है ऑन सप्लाई, इट इज अ सप्लाई इन जीएसटी, गुड्स और बिजनेस आर परमानेंटली सोल्ड विदाउट क्लेमिंग आईटीसी टू रिलेटेड पर्सन, केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन ऑन द ग्रुप, क्या सर डाउट है ऑन सप्लाई, इज इट इज अ सप्लाई इन जीएसटी इफ गुड्स ऑफ बिजनेस आर परमानेंटली सोल्ड विदाउट क्लेमिंग आईटीसी, परमानेंटली सोल्ड विदाउट क्लेमिंग आईटीसी विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी परमानेंटली सोल्ड अ बिजनेस विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, ठीक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसमें यह आएगा कि जो परमानेंटली बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं एज ए गोइंग कंसर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एज ए गोइंग कंसर्न कर रहे हो तो मैं एग्जाम्पल देखूंगा, पर सबसे पहले वो मेरे को बताओ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट प्रिया अवस्थी ने पूछा विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने पूरे के पूरे बिजनेस को गुड्स और सर्विसेज को आपने पूरे बिजनेस को बेचा है, एक बहुत बड़ी बात है, एक जो तुम आप बोल रहे हो ना बिजनेस को बेचा है,
बिजनेस को अगर आप बेच रहे हो एज ए गोइंग कंसर्न बेच रहे हो, तो फिर उसमें ये प्रोविजंस की बात कहां से आती है? विदाउट कंसीडरेशन तो बिजनेस को बेच रहे, खतरनाक क्वेश्चन है। विद कंसीडरेशन, तो अगर आप बिजनेस को बेच रहे हो विद कंसीडरेशन 71A है, तो 71A में तो आईटीसी देखते ही नहीं है ना, 71A में तो आईटीसी देखना ही नहीं है बेटा। 71A में तो बिजनेस को बेचा प्लस सी कंसीडरेशन है, 71A में सप्लाई खत्म कर दो पॉइंट को। जब कंसीडरेशन है तो तुम पूछने, मेरे से पूछने की तुमको जरूरत ही क्या पड़ गई कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कंसीडरेशन है? गलत क्वेश्चन। ठीक, यह बिजनेस है, मान लो रिलायंस है, रिलायंस के पास एक एसेट है और इस एसेट को रिलायंस से क्या किया, परमानेंटली निकाल दिया, परमानेंट डिसॉल्व कर दिया। अब विद कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन, अगर विद कंसीडरेशन है सबको यही खत्म कर दो 71A, विदाउट है तो देखो, विदाउट है तो देखो, अगर विदाउट विदाउट है, विदाउट सी है तो फिर देखो आईटीसी, आईटीसी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आईटीसी यस आईटीसी नो। अगर बोलते आईटीसी यस है तो 71C, और अगर नहीं है तो यहां पे क्लोज कर दो, डील ही क्लोज कर दो। और when you are saying permanently sold to relative without claiming ITC, ये चार्ट क्लियर है विद्यालक्ष्मी एंड प्रिया अवस्थी, ये चार्ट क्लियर है? नहीं बेटा, सर्कुलर तो ऐड हो जाते हैं ना, उसमें प्रोविजन में आ जाते हैं, इसे रिलेटेड से क्या लेना देना है? अभी क्वेश्चन है कंसिडरेशन है तो रिलेटेड से कोई मतलब नहीं है, वो वहीं खत्म हो गया। पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, टैक्स एंड लॉ लवर तुम्हारा नाम क्या है? टेल मी योर नेम फर्स्ट, देन आई विल डिस्कस अदर थिंग्स। व्हाट्स योर नेम? मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बार बार बोल रहे टैक्स एंड लॉ लवर, व्हाट्स योर नेम? ये तो यार स्पैम कर रही है रचना। आपने कहां से कहां पढ़ाई की है और इस तरीके से आप एकदम स्पैम पे स्पैम की जा रही है, मजाक चल रहा है आपका है? आप ग्रुप में भी एकदम खतरनाक काम करती हैं, यहां पे भी खतरनाक काम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है आपको? या तो आप सीखना ही नहीं चाह रही हैं, या आप सीख के कुछ और करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही है तुम? एक ही क्वेश्चन पूछे जा रही हो तुम कि रजिस्टर बंदा टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल पर 94, समझ में नहीं आ रहा 94 क्या समझा रहा हूं मैं आपको? आपको समझ में नहीं आ रहा 94 के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? एक सेकंड रुक जाए, ये तो मजाक बना के रख दिया यार। आइए 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 आइए, द सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ बाई ए सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, यही क्वेश्चन है आपका, यही है ना क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन यही है ना, और बोथ बाई ए सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, आप क्या बोल रही है? जो सप्लायर वो रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। इतनी देर से तो वही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं 94 में है 94, तुम तो एक जगह अटक गई, टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल पर्सन, भाई 94 भी तो है और भाई नॉट रजिस्टर्ड, टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लाई कर रहा कि कोई चीज दे रहा है, अनरजिस्टर्ड को दे रहा है और रजिस्टर्ड को दे रहा है, अगर अनरजिस्टर्ड को दे तो आंख बंद करके लिखो ना रचना नॉट ए सप्लाई, खत्म हो गई बात, गोली मार दो। पर रजिस्टर बंदर को करा तो 94 का तो प्रोविजन एप्लीकेबल है ना, क्या फर्क पड़ता है यार, किसने डिसलाइक किया नहीं, इन सब चीजों से ऊपर आ गया हूं मैं, हटा
अब बोलो तुम, अब तुम बोल लो, ठीक है। हाँ बस यही एक पॉइंट है बेटा, यही एक पॉइंट, और कोई पॉइंट नहीं। अरे सर अगर जीटीए 5% वाला अनरजिस्टर्ड स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक को दे रहा है ना, आरसीएम मॉडल आएगा स्पेसिफिक, चाहे रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड डिमांड मत लगाओ। कल मैंने फर्म का एग्जांपल भी कराया था कि एक जीटीए फर्म को दे रही है, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तुमको क्या लेना देना फर्म रजिस्टर्ड, फर्म स्पेसिफाइड पर्सन है ना, आरसीएम मॉडल आएगा। आगे बोलो कहां गई रचना, तुम बोलो, तुम्हारे मन से क्लियर हुआ डाउट? ये मत करना बेटा कि केवल टैक्सेबल, केवल रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसा नहीं सोच के चलते हैं। तुम्हारी बात सही है, रजिस्टर्ड पर्सन उसके लिए तो 9-4 गवर्नमेंट ने लाया ना, कि 9-4 में भी उनको फंसाया गया जो अनरजिस्टर्ड पर सप्लाई तो कर रहे हैं। हाँ अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर तो वो रजिस्टर होना पड़ेगा, वो तो सही बात है, जीएसटी देगा तो रजिस्टर तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए तो आरसीएम मॉडल में सेक्शन 24 में आ रहा है, एक लाइन लिखी गई है, अगर आप आरसीएम में टैक्स देते हो, सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का पॉइंट नंबर 3, कि अगर आप आरसीएम मॉडल में टैक्स दे रहे हो, आप रजिस्टर नहीं क्योंकि आप बोले मैं टर्नओवर नहीं है, पर आप फंस गए किसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो अगर आप आरसीएम में हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। और बोलो आर्या, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे आज की क्लास करके, आप लोगों को देख के मजा आया कि आज आप क्लास में इन्वॉल्व थे, आप लोगों को देख के इतना अच्छा लगा, दिल से बोल रहा हूँ। तो पन्नत आप याद रखो मैं डीटी ला रहा हूँ, आप टेंशन मत करना, पर प्रॉमिस आपने किया रेगुलर क्लास आओगे तब लाऊंगा।